नमस्कार, मैं हूं अनीता बरार। और संगीत की बात करें तो ये एक हमारे लिए देवीय वरदान है, एक ऐसा जादू है जिसकी लय चाहे शोर में हो या गहरी खामोशी में हमारे मन के तारों को झनकार देती है और बड़ी ही सहजता से हम उसमें डूब जाते हैं। सच कहें तो हमारे सभी भावों में संगीत समाया हुआ है। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिनके लिए कहा जा सकता है कि संगीत के लिए ही उनका जीवन बना है। इमदाद खानी घराने की मशाल को वो बराबर रोशन किए रहे हैं और इटावा घराने के सातवीं पीढ़ी के जाने माने पद्मश्री और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत सितार वादक उस्ताद परवेज खान जी। उस्ताद शाहिद परवेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है SBS पर। नमस्कार। नमस्कार, आपके साथ आए हैं आपका साथ देने के लिए तबले पर प्रणम रामजीत। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। खान साहब, आपसे ही बातचीत की शुरुआत कर रही हूँ कि संगीत तो आपको विरासत में मिला है, पारंपरिक संगीत में माहौल रहा आपके लिए, और फिर उसमें अपनी खुद की जगह बनाना, वो संगीत तैयार करना जो पारंपरिक भी हो और उसमें नयापन भी आए, यानी आपने गायकी अंग और तंत्रकारी अंग का एक अनूठा सा मिश्रण किया है। क्या है वो, कैसे उसको समझें हम? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई कलाकार बनते हैं, जब वो सीखते हैं तो जो उनको सिखाया जाता है वही वो सीखते हैं। और पहले पहले तो उनको खुद से कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग चलती है, उनकी शिक्षा चलती है, तो उनको वही सीखना पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी कलाकार को कुछ अपना संगीत या अपना आर्ट अलग करने की ज़रूरत जानबूझ के नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद ही होता है, क्योंकि हर इंसान ही अलग है। जी, तो इसी तरह से जब मुझे तालीम मिली, अपनी ट्रेनिंग मिली अपने घराने की मेरे वालिद से, और उसके अलावा भी देखिए ट्रेनिंग दो तरह से होती है, एक तो जो आप गुरु के सामने बैठ के सीखते हैं, और दूसरी ट्रेनिंग ये है कि जो आप सुन के सीखते हैं अपने मास्टर्स, अपने जो आपके सीनियर मास्टर्स होते हैं उस वक्त के। तो इन सब कलाकारों को सुन के और जो आपने सीखा है उसको समझ के एक अपनी शैली खुद ब खुद तैयार होती है ज्यादातर। लेकिन उसमें एक बात जरूरी है कि ये भगवान की या ऊपर वाले की एक देन होनी चाहिए जो आप अपना खुद कुछ कर सके। जी, तो ये भी मैं मानता हूं कि एक ये टैलेंट और एक देन होती है। तो इसी तरह से ये हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने सीखा, समझा, उसको बजाया, तो अपने आप मुझे जो जो लगा तो उसमें मैंने अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश की। जैसे कि मुझे आपने जैसे दो चीजें कही, गायकी और तंत्रकारी। जी, तंत्रकारी कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल होता है उसको। तो हमने तो इंस्ट्रूमेंट सीखा तो वो तो सीखना नेचुरली था। गायकी अंग का असली मतलब ये है, बहुत से लोग इसको ऐसा समझते हैं कि गाने की कॉपी करना, ये सही नहीं है। गायकी अंग का मतलब मकसद होता है कि जो गाने से जो असर होता है आपको, उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट बजाने से भी उतना ही असर हो, उतनी ही बात पहुंचे, तो उसको गायकी अंग कहते हैं। तो चूंकि मैंने इंस्ट्रूमेंट सीखा तो तंत्रकारी भी थी, और मैंने सोचा कि जब गायकी अंग के बिना ये पूरा नहीं होता, तो मैंने इस चीज दोनों चीजों को साथ में लाने की कोशिश की है। अच्छा, तो कुछ उसकी झलक हमें सुना सकेंगे आप अभी? जी, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ कि पुराने वक्त में, क्योंकि हमारा ये 7 जनरेशन से चल रहा है। जी, मेरे पूर्वजों में जैसे सरोजन सिंह से शुरुआत हुई, उसके बाद तुराब खां, उसके बाद साहेबदाद खां, उसके बाद इमदाद खां साहब, फिर उन इमदाद खां साहब के दो बेटे थे, एक वहीद खां साहब और इनायत खां साहब।
वहीद खान साहब के बेटे मेरे वालिद थे और इनायत खान साहब के बेटे मेरे चाचा उस्ताद विलायत खान साहब। तो इस तरह से हमारी परंपरा चली आई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा तंत्रकारी अंग में जो बजाया जाता वो किस तरह से झलक होती है और गायकी यानी किस तरह से होती जी। क्या बात है जी। पहले जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ ये तंत्रकारी का नाम तंत्रकारी होती है उसमें राइट हैंड का जो काम होता है जिसमें स्ट्रोक्स होते हैं ज्यादा तो वो काम ज्यादा होता है। लेकिन अब जब गायकी आती है तो उसमें आपको जैसे मैं एक चीज ऐसा बताता हूँ आज मोरी कलई मुरक गई दिन्ना ना आज मोरी कलई मुरक गई आज मोरी कलई मुरक गई। तो ये गाने की बंदिश पे भी होता है डालता क्या बात है क्या बात है। बिल्कुल समझ में आने लग गया कि तंत्रकारी और गायकी अंग किस तरह से एक दूसरे में समा जाते हैं और कितनी खूबसूरती से आपने किया। और उसी पे क्योंकि गायकी और लयकारी मुझे महसूस हुआ कि कुछ आप इस तरह से पिरो देते हैं कि बस उसकी अभिव्यक्ति तो हो ही नहीं पाएगी मेरे लिए शब्दों में। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप स्टेज पर हैं और परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक से आपने कुछ ऐसा नया कर दिया जो आपको खुद को हैरान कर गया? हाँ देखिए पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो म्यूजिक है जी वो ज्यादातर एक्सटेम्पोर होता है और पूरा क्रिएटिव म्यूजिक कहलाता है जी। और इसमें पहले से कुछ भी ज्यादातर प्लान नहीं होता है। अच्छा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब वेस्टर्न म्यूजिक बजता है लोग बजाते हैं तो पूरा नोटेशन उनके सामने होता है। हम लोग जब परफॉर्म करते हैं चाहे एक घंटा हो दो तीन चार घंटे जितने भी हो सामने कोई नोटेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग उसी वक्त सोच के उसको क्रिएट करके बजा रहे हैं। इसके लिए हम पहले से उसकी रियाज तो पहले से ही होता है उसकी सोच होती है। हाँ इसमें कुछ पोर्शन जो है फिक्स जिस तरह से के राग हमारे होते हैं उसके जो स्वर है वो तो होते हैं फिक्स जी। लेकिन उसमें क्या करना है ये आर्टिस्ट को खुद भी पता नहीं होता। ये उसी वक्त वो डिसाइड करते हैं ये उसी वक्त उनको इंस्पिरेशन होती है और उसी वक्त वो सब कुछ गाते हैं या बजाते हैं ऑन द स्टेज बस बिना सोचे। तो इसमें ये होता है कि जब ऐसा होता है तो उसमें कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती जैसे कि आपने कहा कि आपने आपको भी हैरान कर दिया जी। तो ऐसा जरूर हो चुका है जी। तो जानना चाहूंगी और होता भी रहता है क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या सोचेंगे और क्या आएगा। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ संगीत में जब आप एक जगह पे पहुंचते हैं
तो वहां पे आपके साथ राग भी बातचीत करता है, वो हर इंसान के साथ नहीं करता। तो जब उसके साथ हमारा इतना गहरा ताल्लुक होता है तो वो हमें खुद कहता है कि मुझे इस तरह से बजाओ या इस तरह से गाओ। तो उसमें ऐसी चीजें भी आती कि जो हमें हैरान करती है। तो ये उसका तरीका है और ये उसका सिस्टम है कि इस तरह से ये होता है। क्या बात है। तो मतलब ये एक बार नहीं, आपके साथ कई बार हुआ है। हमेशा होता ही रहता है, अच्छा, लेकिन जैसे कि आपने कहा हैरान कर देने वाला, ये तो कभी कभार होता कोई ऐसा है। हाँ याद हाँ है आपको वाकया अपना कहीं पे? नहीं, वाकया तो ऐसा है कि देखिए, हम लोगों के लिए हर दिन हर कॉन्सर्ट जो है एक चैलेंज भी है जी और एक नयापन भी होता है उसमें, बिल्कुल। और हमें नहीं पता होता कि आज क्या होगा। लेकिन ये है जरूर कि जब आप एक चीज को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस की वजह से आप में एक कॉन्फिडेंस होता है, तो चाहे आपका मूड बहुत अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपका एक स्टैंडर्ड रहेगा जिसमें आप उससे नीचे नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो आपकी बात तो बन जाएगी, लेकिन ऐसा होना जैसे कि हैरान होना या खुद को भी मजा आना, ये तो कभी कभार होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप तो संगीत में खुद तो डूबे हुए हैं, आप अपने उस संगीत का जो ज्ञान है वो बच्चों को दे रहे हैं, आगे पढ़ा रहे हैं, संगीत की शिक्षा देते हैं आप, और भारत में भी देते हैं और विदेशों में भी देते हैं। जी तो कहीं कुछ फर्क लगता है जब आप शिक्षण उनको दे रहे होते हैं, उन बच्चों की समझ में फर्क लगता है, आपके सिखाने के स्टाइल में कुछ आपको फर्क करना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो म्यूजिक है इसका ताल्लुक हमारी संस्कृति से है, जी और हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जहां पे हमारे कल्चर को समझा जाता है, जैसे कि कह लीजिए कि हम अपने देश में जब सिखाते हैं और जब हम विदेश में सिखाते हैं, इसमें फर्क तो होगा ही। तो उनको एकदम से पूरी चीज या उनको संस्कृति के बारे में एकदम नहीं समझाया जाता है, धीरे धीरे उनको उस चीज पे लाया जाता है। तो डेफिनेटली जब वहां हम सिखाते हैं तो उसमें फर्क होता ही है कि उनको पहले हम तैयार करें, फिर हम उस उनको अपनी चीजें पहुंचाएं। जी बिल्कुल। तो अगर आपकी बात करूं तो आपने तो बहुत शुरू से ही, 3 साल की उम्र से आपने बजाना शुरू कर दिया, 8 साल के थे आपने पब्लिक परफॉर्मेंस दे दी, एक बड़ी ही डिसिप्लिन वे में आपने संगीत की शिक्षा ली जी अपने पिता से, और आगे और गुरुओं के साथ में भी आपका संपर्क बना रहा क्योंकि घर में ही आपके तो गुरु मौजूद थे। जी जी तो वो जो कड़ी मेहनत आपने की, वही आप चाहेंगे कि जो जिनको आप सिखा रहे हैं उनकी भी वही कड़ी मेहनत हो? तो उनके लिए क्या कोई गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे कि क्या है जो उन्हें बांध के रखे जैसे आप बंधे रहे? मैं हमेशा सबको एक बात कहता हूं कि जो भी इंसान दिन भर जो भी कुछ करता है अपनी जिंदगी में, सुबह से शाम तक जो भी कुछ करता है, काम करे या जो भी कुछ करे, वो सब कुछ दूसरों के लिए होता है। मसलन अगर आप अपने जॉब कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली को या अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को या अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए करते हैं, अपने जी खुद की जरूरत पूरा करने के लिए जी करते हैं। तो ये सारे काम आप जो भी करते हैं सब दूसरे के लिए, सिर्फ संगीत ही ऐसा है जो सिर्फ आपके लिए है। बिल्कुल। बाकी कंडीशन में आपने देखा होगा कि आपको देना पड़ता है, आपको मिलता सिर्फ यही है कुछ ना कुछ। तो मेरी सभी से ये गुजारिश होती है और उनको मैसेज भी मैं हमेशा देता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि देखिए, हर इंसान तो कलाकार नहीं बनना चाहता, कुछ लोग शौक से भी सीखते हैं, कुछ अपनी मन की शांति के लिए सीखते हैं। जी तो जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है, मैं हमेशा कहता हूँ उतनी ही मेहनत होनी चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे परफॉर्म करना है, तो आपको उस तरह से प्रैक्टिस करना है, उस तरह से आपको वक्त देना, उस तरह से गुरु के साथ रहना, सीखना वगैरह, ये सब करना पड़ेगा। और अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है जी तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो यही मेरा मैसेज हमेशा रहता है
कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको हॉबी के तौर पे ना करके इससे थोड़ा सा प्यार करें, तो अब ये आपको कुछ देगा। क्या बात है, क्या बात है। अब उस्ताद जी, हम ये तो जानते हैं कि आपके जो पिता थे अजीज खान साहब, वो फिल्मों में भी जुड़े रहे जी। एक समय था 50 के दशक में जी, जी। और उन्होंने बल्कि खयाम साहब के साथ जोड़ी बनाकर शर्मा जी और वर्मा जी के नाम से भी संगीत दिया। और वही नहीं, आपके चाचा जी भी खान मस्ताना के नाम से गाया करते थे जी, बहुत मशहूर प्लेबैक सिंगर जी, उस दशक के, उस दौर के बहुत ही मशहूर प्लेबैक सिंगर थे। तो आप तो अब एक अलग मुकाम पर हैं, कभी आपने सोचा फिल्म संगीत के बारे में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि संगीत किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो या लाइट क्लासिकल हो या कव्वाली हो, भजन हो या वेस्टर्न म्यूजिक हो, अगर अच्छा है तो मैं उसको आज भी सुनता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ और उससे जो भी मिल सकता है मैं लेने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे, मेरा ये मानना है कि अच्छा संगीत कहीं भी है वो संगीत है। उसका जो चोला है, उसने जो ऊपर का जो चोला है वो है फिल्मी संगीत या क्लासिकल या लाइट या कव्वाली, उससे कोई इतना बड़ा फर्क मुझे नहीं लगता। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे वालिद साहब और मेरे ताया जी दोनों फिल्मों से जुड़े रहे और मैंने भी कुछ फिल्मों में बजाया हुआ है। और लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं चाहता हूं कि एक चीज पे फोकस करके एक काम को ठीक से करूं, इसलिए मैंने और जगह डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दिया, इसलिए मैं अपने क्लासिकल म्यूजिक को ही पकड़ के रखा और कुछ और सोचता इससे पहले कि एक ऐसी कंडीशन आई जिसमें मुझे ऐसा लगा कि हमारा संगीत बिखर ना जाए, क्योंकि आजकल आप जानते हैं फ्यूजन का जमाना चल रहा है। फ्यूजन के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, नहीं जी, लेकिन अगर वाकई वो फ्यूजन, देखिए मैंने सबसे पहला फ्यूजन जो सुना था वो 80s में सुना था, जिसमें जॉन मैक्लफन गिटार पे थे, विकू विनायक घट्टम पे थे, हरिशंकर खंजीरे पे थे और जाकिर हुसैन साहब तबले पे थे। तो वो जो फ्यूजन सुना बहुत अच्छा था, हालांकि वो क्लासिकल म्यूजिक नहीं था, फिर भी सारे बेस्ट अपने काम के करने वाले सारे मास्टर्स उसमें थे। तो वो जब मिलके काम करते तो एक बात बनती, ऐसा मौका मुझे मिलेगा तो मुझे भी फ्यूजन से इनकार नहीं है, लेकिन फ्यूजन के नाम पे अगर अपना म्यूजिक की बलि चढ़ाई जाए तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इसके लिए मैंने अपने म्यूजिक को सोचा कि बहुत उसको पकड़ के रखूं और प्योर रखूं, तो इसी वजह से मैंने दूसरी चीजें नहीं की जी। क्या बात है, तो आपने तो हमें पहले गुनगुना के भी कुछ दिखा भी दिया था, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई दो लाइनें आपको गाने पड़े, क्योंकि हमने बात कर रहे थे फिल्मों की, तो कई ऐसे होंगे जो आपके भी मन में गूंजते होंगे गाने। बिल्कुल है जी, तो कोई दो लाइनें हमें सुनाएंगे? देखिए, मैं गायक तो नहीं हूँ फिर भी लेकिन हमारे म्यूजिक में ये ट्रेडिशन रहता है कि जब भी आपको जो भी सीखना हो पहले गाना सीखना चाहिए, क्योंकि सुर की समझ हो जी। तो गाना तो हम लोगों को सिखाया ही जाता है और उसके बाद थोड़े तबले की भी तालीम लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना जो इंस्ट्रूमेंट चूज करना है तो करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई फिल्म का गाना अगर आप चाह रहे हो तो मैं उसकी दो लाइनें, देखिए कई लोग मुझे कहते हैं कि आप स्टेज, मैं कई बार स्टेज पे इसलिए कोई बंदिश भी सुना भी देता हूँ ताकि ये बताने के लिए कि मैं ये बजा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं ये बताऊं कि मुझे गाना आता है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करता हूँ कि मेरा जो काम है मैं वही करूँ। तो किसी ने मुझे पूछा भी था कि आप जब गाना सीखे तो आप थोड़ा गाते क्यों नहीं, तो मैंने उनसे बताया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सितार गाए, इसलिए मैं नहीं गाता हूँ। चलिए हम भी फिर यही आपके सितार की ही गायकी को आगे सुनते तो हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक लाइन जी, क्यों नहीं, मैं तो चाहूंगी जी, जी जी सुना देता हूँ आपको जी। ये जो मैं जो लाइनें सुनाने जा रहा हूँ ये रफी साहब की गाया हुआ गाना है, जिसके बोल है कि मन रे तू काहे ना धीर धरे, और उसके बहुत खास बात यह है कि वो हमारे राग यमन पे आधारित है। अच्छा जी, पेश करता हूँ।
क्या बात है, कैसे तारीफ करूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। बस एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या है जो आपको मोटिवेट करता रहता है बराबर कुछ और करने के लिए? देखिए, जब एक मेरे स्पिरिचुअल गुरु थे, और आपने भी पहले जैसा कहा कि आप संगीत में डूब गए, तो डूबना इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन मैं डूबा क्यों? और आपने जैसे बता पूछा कि आपको क्या मोटिवेट करता है, तो मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु थे, मैं उनके पास बैठ के प्रैक्टिस भी किया करता था। तो एक बार मैं बहुत फिक्र में बैठा था, तो उन्होंने पूछा क्या बात है। मैंने कहा कि ये तो सागर है, मैं क्या क्या करूं इसमें, मैं तो एक बूंद जैसा ही हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूं जिससे तुम सागर बन जाओगे। ये सभी के सुनने की जैसी बात है। मैंने कहा ये क्या पॉसिबल है? बोले बिल्कुल है, जब मैं बता दूंगा तो सब लोग यकीन भी करोगे कि ये सही है। मैंने कहा कैसे? बोले तू बूंद है, सागर में मिल जा, सागर बन जाएगा। क्या बात है। तो इसीलिए मुझे इसमें डूबना पड़ा। जी क्या बात है, और उसी में आगे आप तैरते ही चले जा रहे हैं अतः सागर में, जिसका आपको वही प्रेरणा दे रहा है। उस बूंद के रूप में उस सागर के अंदर आपका अस्तित्व जो है सागर बन गया है। आप उस्ताद जी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आए, मैं समझ रही हूँ, और मैं बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो ये यहाँ पर आना था, जितना समय आपने बिताया है, बहुत अच्छे से बीता होगा, और हम चाहेंगे कि आप फिर आए यहाँ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने उसमें से समय निकाल कर हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए हामी भर दी, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन ऐसे नहीं आपको हम जाने देंगे, मैं चाहूँगी कि आप हमें अपने तारों की झनकार के साथ छोड़कर ही जाएं। जरूर, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। SBS ऑडियो सेंटर जो आपका है, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, और जैसा कि मैंने सुना हुआ है कि आपके यहाँ सारी लैंग्वेजेस में इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, और एक बार फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक छोटी बंदिश सुना के इसके साथ मैं आपसे विदा लूंगा। जी धन्यवाद। जी I'm gonna go get some more.
वाह नमस्कार।